हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड अ वेरी गुड स्टार्ट टू द वीकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने दिन को और अपने इस वीक को विद द करंट अफेयर्स शो। तो आज की इस तारीख में हम पढ़ने वाले हैं 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को, यानी कि कल संडे के करंट अफेयर्स को हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं और आज तारीख है हमारी 11 अक्टूबर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। और पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द इंडियन कंपनीज हैज एक्वायर्ड REC सोलर। REC सोलर नामक कंपनी को भारत की किस कंपनी ने एक्वायर किया है? ऑप्शंस हैं आपके टाटा पावर सोलर्स, सुजलॉन रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर, या RE रिन्यू पावर वेंचर्स। ये आपकी इंडियन ग्रीन कंपनीज हैं, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जीज कंपनी है। इनमें से किसने भारत REC सोलर को एक्वायर किया है? तो आंसर इस क्वेश्चन का है सिर्फ एक, हमारे मोटा भाई रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने REC सोलर को एक्वायर किया है। अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए @AmanTrivedi। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। PDF आपको वीडियो अपलोड होने के 2-3 घंटे के बाद आपको मिल जाती है। तो टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किया है। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करिए @AmanTrivedi, AmanTrivedi। ये आप सर्च करेंगे तो आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा और आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे 8299117042 नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने 10 अक्टूबर को कहा है कि इसने 100% स्टेक, थोड़ा बहुत ही, पूरा सब पूरी तरीके से खरीद लिया। नॉर्वे बेस्ड REC सोलर होल्डिंग्स कंपनी है जो कि चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी के पास थी, वहां से $770 मिलियन में पूरी तरीके से खरीद ली है। तो अब रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो एक्विजिशन है रिलायंस की अनाउंसमेंट के बाद आया है। जब रिलायंस की जनरल मीटिंग हुई थी तो रिलायंस ने कहा था कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट अब करेंगे, तो उसी का ये आपका एक पार्ट है। और इन्होंने कहा था कि $10.1 बिलियन को इन्वेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि भविष्य में इस तरीके के और सारे आपके एक्विजिशन रिलायंस करने वाला है, ठीक है। तो इनका ड्राइव है कि 2035 तक रिलायंस एकदम क्लीन एनर्जी पर बेस्ड हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, यहाँ पर आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। 2035 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनाने के अभियान में 3 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा में लगभग $10.1 बिलियन का निवेश रिलायंस करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द हेड ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का हेड कौन होगा? लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, श्री के शिवान, या फिर जनरल बिपिन रावत। तो आंसर इस क्वेश्चन का है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट। लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट जो है वो इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के हेड होने वाले हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। हाँ जी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं वो हमारे करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। के सिवान जी जो हैं वो इसरो के डायरेक्टर हैं और जनरल बिपिन रावत हमारे आर्मी के फॉर्मर चीफ हैं। तो फॉर्मर चीफ हैं हमारे जनरल बिपिन रावत, करंट चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जी हमारे इस समय आर्मी चीफ हैं। एयर चीफ मार्शल कौन है? श्री विक्रम राम चौधरी होगा यहाँ पर। और एडमिरल सुनील लांबा जो हैं ये नेवी के चीफ हैं। तो नेवी के हैं एडमिरल सुनील लांबा, एयरफोर्स हैं विक्रम राम चौधरी, और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आपके आर्मी के हैं। और इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन, प्रधानमंत्री मोदी जी 11 अक्टूबर को इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। इंडियन स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को करने वाले हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक प्रमुख उद्योग संघ है जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज बनाने की इच्छा रखता है। तो जितनी भी हमारी अंतरिक्ष उद्योग की रिलेटेड कंपनियां हैं उनका एक एसोसिएशन बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा कि अंतरिक्ष संघ नीति की वकालत करने और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ जुड़ने का लक्ष्य रहेगा। यह सरकार और उसकी सभी एजेंसियों के साथ जुड़ने वाला है। एसोसिएशन की टैगलाइन है भूमंडल से ब्रह्मांड तक, ब्रह्मानंद नहीं ब्रह्मांड होगा यहाँ पर, जिसका अर्थ है पृथ्वी से ब्रह्मांड तक। और भारतीय अंतरिक्ष संघ के निदेशक हैं इस समय सत्यम कुशवाहा जी, इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो निदेशक हैं सत्यम कुशवाहा और भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष होंगे हमारे, हेड होंगे लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट। लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट आपके इंडियन स्पेस एसोसिएशन के
हेड होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इनको देख सकते हैं, ये 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स में जो कंपनियां हैं वो एयरटेल है, वन वेब है, और ये आपकी वॉल चंद्रनगर है, लार्सन एंड टर्बो है, अल्फा डिजाइन है, नेल्को है और मैप माई इंडिया, ये कंपनीज इंडियन स्पेस एसोसिएशन की हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने इसको पढ़ा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? तो इसका आंसर आपका ऑब्वियस हो जाता है, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को हमने पढ़ा था इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे होता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है, हाल ही में वो भी मनाया गया था, तो वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज 10 अक्टूबर को था, और 11 अक्टूबर यानी आज के दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे है, 9 को इंडियन वर्ल्ड पोस्टल डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, और 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की जो थीम थी वो इस बार थी मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, और कैंपेन का स्लोगन है हमारा मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। तो मेंटल हेल्थ एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य इसकी थीम थी, और इसका नारा था सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, चलो इसे एक वास्तविकता बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोडक्शन नहीं, प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, विश्व में कोल को प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी कंट्री, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है विश्व में? तो ऑप्शन है आपके चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इंडोनेशिया। तो चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इंडोनेशिया में से कौन विश्व का कोल का उत्पादक, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? ये तो वैसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बट इसे करंट में मैंने क्यों रखा है, करंट में इसलिए रखा है क्योंकि हाल ही में कई सारी न्यूज़ आ रही हैं कि चाइना में भी कोल क्राइसिस चल रहा है, और जिसकी वजह से पावर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और उसी तरीके से इंडिया में भी कोल क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से पावर क्राइसिस हो सकती है देश में। लेकिन आज मिनिस्टर ने, जो हमारे कोल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा ऐसी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। एक्चुअली में है क्या कि इंडिया में कोल के जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, और बाहर जो कोल है वो बहुत महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हम बाहर से अब खरीद नहीं सकते। बाहर से खरीदेंगे तो फिर हमारे घर की बिजली महंगी होगी, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स हैं और उसी पर हम ज्यादातर बेस्ड हैं। तो ये आपकी समस्या है, तो इसी से रिलेटेड, क्योंकि इसके बारे में बहुत बात हो रही है इस समय, इसलिए ये सवाल मैंने यहां पर रखा है कि विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो है चाइना। चाइना विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। और अगर आप बात करेंगे कि कोल प्रोड्यूसर दुनिया में कौन कौन है, तो चाइना नंबर 1 पर है, इंडिया नंबर 2 पर है, यूएसए नंबर 3 पर है, और इंडोनेशिया नंबर 4 पर है, ठीक है। चीन फर्स्ट पे, भारत सेकंड पे, अमेरिका थर्ड पे, और आपका इंडोनेशिया चौथे पे। ये आपकी कोल हमारी पीआईबी यानी कि मिनिस्ट्री की ही वेबसाइट से ये आपका अपडेट है, इससे आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने जवाब बताया है आपको कि इंडिया कहाँ पर है कोल प्रोडक्शन में, इसको अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो अलग अलग आपको क्लेम मिलेंगे, कहीं पर आपको 5th नंबर पे मिलेगा, कहीं पे आपको 4th पे मिलेगा, कहीं पे आपको कई न्यूज़ वेबसाइट्स पे आपको 4th में मिलेगा। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल का ईयर एंड रिव्यू का वेबसाइट है, 31 दिसंबर 2020 को इन्होंने जारी किया था, और इसमें इन्होंने कहा था कि भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, और भारत के पास 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स। तो कोल भंडारण के टर्म में इंडिया 5th लार्जेस्ट है, और सेकेंड नंबर पे है कोल प्रोड्यूसर में। तो ये आप यहां से पढ़ सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए सर्वाधिक कोल प्रोड्यूसर इंडिया में कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस होता है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूसर होता है। ये सारी रिपोर्ट्स इसी रिपोर्ट में ये दिया हुआ है जानकारी, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का है, तो गवर्नमेंट की तरफ से है, इसे आप नकार नहीं सकते। और हमारे मिनिस्टर ऑफ कोल इस समय कौन है, तो मिनिस्टर ऑफ कोल है हमारे श्री प्रहलाद जोशी, कल भी हमने इनको पढ़ा था, और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी हैं ये इस समय। तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी श्री प्रहलाद जोशी हैं, और मिनिस्टर ऑफ कोल भी श्री प्रहलाद जोशी हैं। श्री प्रहलाद जोशी, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देश में कोयले का संकट वो नहीं होने देंगे। और पावर मिनिस्टर कौन है, राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह ये हमारे पावर मिनिस्टर हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए पावर मिनिस्टर कौन है, तो श्री राजकुमार सिंह, कोल मिनिस्टर कौन है श्री प्रहलाद जोशी, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी श्री प्रहलाद जोशी हैं, ठीक है।
अगला सवाल है, अजय वारी वॉरियर एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड विद विच कंट्री, इनमें से किस देश के साथ में अजय योद्धा नामक अभ्यास को शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपके यूके, फ्रांस, चाइना या फिर श्रीलंका। तो आंसर है हमारा इसका यूके। यूनाइटेड किंगडम के साथ में हमने अजय वॉरियर नामक युद्ध अभ्यास को शुरू किया है। द 5th-6th एडिशन ऑफ इंडिया यूके ज्वाइंट कंपनी लेवल से मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर हैज कमेंस्ड एट चौबटिया उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज शुरू हुई है और इसमें द एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव टू डेवलप इंटरऑपरेबिलिटी एंड शेयरिंग एक्सपर्टीज। कुल मिला के आप एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइज करते हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो भारत और यूके के साथ में ज्वाइंट कंपनी मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर शुरू हुई है। तो अजय युद्ध अभ्यास किसके साथ में होता है आपका, भारत का, ये होता है यूके के साथ में। और फ्रांस के साथ में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, मिशन शक्ति, शक्ति नामक अभ्यास होता है फ्रांस के साथ में। चाइना के साथ में होता है हैंड इन हैंड। और श्रीलंका के साथ में हमारा युद्ध अभ्यास होता है, चाइना नहीं, यहाँ पर ये गलत है क्या, तो चाइना के साथ में हैंड इन हैंड होता है, फ्रांस के साथ में आपका शक्ति और यूके के साथ में अजय योद्धा एक्सरसाइज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये सवाल एसएससी में कई फेवरेट हो गया है, एसएससी में कई बार आ चुका है, टीसीएस का फेवरेट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो ऑप्शन है आपके 70th, 100th, 50th और 90th। तो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का 90th। भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक जो है वो 90वीं है, 90th रैंक है भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, इंडियाज रैंक हैज स्लिप्ड बाई 6 places, 6 places इंडिया नीचे गया है पिछले साल में, 90th आ गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। विच लिस्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट, जापान एंड सिंगापुर होल्ड द फर्स्ट रैंक ऑन द पासपोर्ट इंडेक्स। तो बेसिकली यहां पर होता क्या है कि ये उस बेसिस पे दिया जाता है कि कितने देशों के साथ में आपके ऐसे करार हैं जहां पे आपको वीजा ऑन अराइवल मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप में से कोई अगर इंडोनेशिया जाना चाहता है तो इंडोनेशिया जाने के लिए आपको पहले से वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा, आप इंडोनेशिया में उतरिए और आप इमिग्रेशन पे जाकर अपना वीजा बनवा सकते हैं क्योंकि वीजा ऑन अराइवल होता है वहां पे। तो उसी आधार पर होता है ये आपका, इसीलिए यहां पर भारत की रैंक 90th है। और जापान और सिंगापुर जो हैं वो सबसे ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली कंट्रीज हो गए हैं, फर्स्ट रैंक ऑन द पासपोर्ट इंडेक्स। द इंडेक्स कवर्स 227 डेस्टिनेशंस एंड 199 पासपोर्ट्स। द इंडेक्स कम्स एट अ टाइम व्हेन कंट्रीज आर ईजिंग ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन फॉर इंटरनेशनल विजिटर्स आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years सिंस द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। सो द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन द सर्वे कंडक्टेड बाई इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डेटा। तो अब ये भारत क्यों 6 places नीचे कुछ गिरा है, ये इसलिए गिरा है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं भारत के ऊपर और बहुत सारे देशों ने ट्रैवल बैन लगा रखा है, बहुत सारे लोगों ने क्वारंटीन कर रखा था। अभी हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि यूके ने आपका अभी हाल में ही क्वारंटीन खत्म किया, तो इस वजह से भारत की रैंक इसमें गिरी है। टॉप कंट्रीज इसमें कौन सी हैं, जापान और सिंगापुर नंबर 1 पे हैं, 2nd पे जर्मनी, साउथ कोरिया, 3rd पे फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, 1 आप ध्यान रख सकते हैं जापान एंड सिंगापुर और भारत का याद रख सकते हैं 90th। और लीस्ट पावरफुल हैं अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन। ये देख के शायद आपको थोड़ी खुशी हो रही होगी। खैर अगले सवाल पर आते हैं, कहता है व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू फिच, फिच रेटिंग एजेंसी। कल हमने रेटिंग एजेंसीज के बारे में पढ़ा था कि रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं, तो फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है, कितना फोरकास्ट फिच ने किया है। ऑप्शन है 8.7%, 10%, 8.3% या फिर 9.5%। तो आंसर इस सवाल का है हमारा 8.7%। 8.7% फिच की रेटिंग एजेंसी के अनुसार रहने वाली है, 10% जो है फिच ने ही किया है ये फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, 2023 में इन्होंने 10% और 2021-22 के लिए 8.7% इन्होंने बताई है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 8.3% है, अभी हमने पढ़ा था, और आरबीआई के अनुसार 9.5% है आपकी फिच की ये जीडीपी की ग्रोथ की रेटिंग। ठीक है, तो आरबीआई 9.5%, वर्ल्ड बैंक 8.3%, फिच 8.7%। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने, अच्छा वर्ल्ड बैंक में हम पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड बैंक ने 2021-22 के लिए 8.3, 23 के लिए 7.5 और 24 के लिए 6.5% उन्होंने आपका प्रोजेक्ट किया है। और फिच के लिए अभी हमने पढ़ा 8.7% आपका करंट इन्होंने रखा है और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 10% इन्होंने रखा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज रिटन द बुक इकोनॉमिस्ट गांधी, इकोनॉमिस्ट गांधी नामक किताब के लेखक कौन है। हाल ही में ये किताब लॉन्च हुई है। ऑप्शंस हैं आपके नमिता गोखले, जयतीर्थ राव,
तनुश्री पोदर या फिर जयराम रमेश, इनमें से कौन से हैं आपके इकोनॉमिस्ट गांधी नामक लेखक? तो आंसर इस सवाल का है हमारा जयतीर्थ राव। जयतीर्थ राव ने इकोनॉमिस्ट गांधी नामक किताब लिखी है। बाकी लोगों ने कौन कौन सी किताब लिखी है हम देख लेते हैं। तो इकोनॉमिस्ट गांधी जो किताब है ये लिखी है आपके जयतीर्थ राव जी ने, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। और नमिता गोखले जी ने लिखी है द ब्लाइंड मैट्रियार्क, ये एक नॉवल है जिसमें द ब्लाइंड मैट्रियार्क इन्होंने नमिता गोखले जी ने लिखी, ये भी हाल में ही लॉन्च हुई है। इसके अलावा तनुश्री पोदर ने लिखी है आपकी द गर्ल्स इन ग्रीन किताब जो है वो तनुश्री पोदर ने लिखी है। इट्स ऑल्सो ये है आपके मतलब जो गर्ल्स आर्मी ज्वाइन कर रही हैं उस उनके ऊपर है। और इसके अलावा इंटरट्वीन्ड लाइव्स, ये किताब आपकी पीएन हक्सर और इंदिरा गांधी के ऊपर लिखी है श्री जयराम रमेश जी ने। तो जयराम रमेश जी की किताब है इंटरट्वीन्ड लाइव्स। इसके अभी हमारे पंजाब के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के करंट चीफ मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वहाँ पे उन्होंने इंटरट्वीन्ड लाइव्स लिखी है जयराम रमेश ने, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये लॉन्च की थी किताब, ठीक है। सो द गर्ल्स इन द ग्रीन, तनुश्री पोदर और जयतीर्थ राव ने इकोनॉमिस्ट गांधी, और नमिता गोखले ने द ब्लाइंड मैट्रियार्क नामक किताब लिखी है। अगला सवाल है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ताइवान। अब अगेन हम ताइवान को क्यों पढ़ रहे हैं इसको मैं आपको बताऊं। ताइवान का कारण ये है कि क्योंकि अभी चाइना और ताइवान के बीच में बहुत टेंशन चल रहा है, चाइना और ताइवान के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है, और ताइवान कह रहा है कि हम चाइना के सामने नहीं झुकेंगे, और चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा बताता है, ताइवान को वो एज अ कंट्री भी रिकोगनाइज नहीं करते हैं। इवन ताइवान जब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था तो ताइवान ने अपने नाम से पार्टिसिपेशन किया था और काफ़ी ज़्यादा मेडल्स जीते थे। तो जब चाइना में वो लोग वापस गए तो चाइना के जो प्लेयर्स थे, चाइना के जो लोग थे, वो लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कर रहे थे कि ताइवान ने इतने मेडल जीते तो हम चाइना और ताइवान एक ही है, तो उनको एक साथ जोड़ के वो बता रहे थे, ऐसी घटनाएं चल रही थी। इसलिए ताइवान अभी चर्चा में है, और इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है क्योंकि ताइवान में काफ़ी टेंशन चल रहा है चाहे ताइवान और चाइना के बीच में। ऑप्शन है साई इंग वेन, शी जिनपिंग, नुंगेन जुआन फुक और महिंद्रा राजपक्षे। तो एक ऑप्शन इसमें से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, दो बेसिकली चाइना के हैं जी शी जिनपिंग, और महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के। तो साई इंग वेन ताइवान के प्रेसिडेंट हैं, और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, और ग्वेन जुआन फुक ये वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं, और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षे श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ताइवान आपका कहाँ पर है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये भारत हो जाता है, और यहाँ पर आपका ताइवान है। इसकी कैपिटल है हमारी ताइपेई, और वहाँ की करेंसी है आपकी डॉलर। और हमने वियतनाम की बात करी तो उसको भी जरा देख लेते हैं। वियतनाम जो है आपका ये भारत है, और यहाँ पर आपका वियतनाम दिखता है, और इसकी कैपिटल है हनोई, और इसकी करेंसी है वियतनामीज डोंग, ठीक है। तो ताइवान की करेंसी है ताइवान की कैपिटल है ताइपेई, और वियतनाम की है हनोई, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में चाइना की कैपिटल बताएंगे और चाइना की करेंसी बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, और श्रीलंका की कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आसान है और आपको पता होने चाहिए। बाकी जो दो डिफिकल्ट थे मैंने उनके जवाब दे दिए हैं। अगला सवाल है ज़ाइकोव डी वैक्सीन, ये किस कंपनी को इसके आपातकालीन यूज़ की मंजूरी मिली है। भारत में हाल ही में ज़ाइकोव डी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की किस कंपनी को मंजूरी मिली है। ऑप्शंस हैं आपके जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट, इनमें से किसको ज़ाइकोव डी नामक वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग के लिए किस कंपनी को मंजूरी मिली है। तो आंसर इस सवाल का है हमारा कैडिला को इसकी मंजूरी मिली है। ज़ाइकोव डी ये पहली वैक्सीन है, इस महीने की शुरुआत में भारत में ज़ाइकोव डी को रोल आउट देख सकता है, जो कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन है। तो अभी तक ज़्यादातर वैक्सीन आरएनए वैक्सीन है, ये पहली है जो कि डीएनए वैक्सीन होने वाली है आपकी कोरोना की। और इसमें ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला को इसकी टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है, जो देश में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वीकृत होने वाला भी पहला है। तो बच्चों के लिए स्वीकृत होने वाली पहली वैक्सीन का नाम भी है ज़ाइकोव डी, और ये जाइडस कैडिला नामक कंपनी को इसकी मंजूरी मिली है। तो ये पूछा जा सकता है कि बच्चों से की क्या कोविड वैक्सीन का नाम क्या है, ज़ाइकोव डी, जिसे भारत में मंजूरी मिल गई है, और कंपनी है कैडिला, और ये पहली वैक्सीन है जो कि डीएनए बेस्ड है, ठीक है।
अगला सवाल है, अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, पाकिस्तान में वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब ये सवाल वैसे तो ये करंट अफेयर्स पाकिस्तान का है, बट मैंने क्यों उसकी चर्चा की है, क्योंकि अगर आप रिसेंट के एसएससी के पेपर उठा के देखेंगे, जब से टीसीएस आया है उसकी कुल कुछ खासा दिलचस्पी पड़ोसी देशों में भी रही है, और पड़ोसी देशों के भी बहुत ही मेजर इवेंट्स को पूछ लेता है। तो ये अब्दुल कादिर खान का अभी हाल में निधन हुआ है पाकिस्तान में, और ये किससे संबंधित है, आज ही हुआ है, कल ही हुआ है, मतलब आर्मी, क्रिकेट, न्यूक्लियर प्रोग्राम या स्पेस रिसर्च। तो इसका जवाब आप बस इतना याद रख लीजिए कि अब्दुल कादिर खान ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। पाकिस्तान में फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अब्दुल कादिर खान माने जाते हैं, इसलिए ये इनका नाम थोड़ा आवश्यक है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कौन था, वो थे अब्दुल कादिर खान, और इनका हाल ही में यानी कि कल ही निधन हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड। अ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड नामक किताब के लेखक कौन है, अ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड नामक किताब के लेखक का क्या नाम है। ऑप्शंस हैं आपके मार्टिन जे शेरविन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अब्दुल कादिर खान या डेविड ज़ुकिनो। तो ऑप्शंस आपके हैं मार्टिन जे शेरविन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अब्दुल कादिर खान और डेविड ज़ुकिनो। तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा कि अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक थे, और अ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड किताब के लेखक थे मार्टिन जे शेरविन। ये इनकी इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, यानी कि इनका भी आज ही निधन हुआ है, मार्टिन जे शेरविन का, और ये अ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड नामक किताब के लेखक थे। इस किताब में इन्होंने चैलेंज किया था जो जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी में दो बॉम्ब गिरे थे, दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे थे, उसका उसको इन्होंने चैलेंज किया था, उसके काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था इन्होंने, और इन्हें पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि इन्होंने पीस की बात की थी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया था इस चीज़ को कि आप किसी देश पर इस तरीके की ज्यादती कैसे कर सकते। तो इन्हें पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, और पुलित्जर प्राइज भी मिला था, और इनका कल निधन हो गया है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये भी बहुत बड़ा नाम है, ये फिजिसिस्ट हैं, और इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर बॉम्ब के जनक दुनिया में कौन है, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर है। अमेरिका में इन्होंने ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अगर ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में कि दुनिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कौन है, तो उनका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सबसे ज्यादा दिमाग लगाया था, और ये फिजिसिस्ट थे। अब्दुल कादिर खान अभी पढ़ा, पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक थे, और डेविड ज़ुकिनो कौन है, ये 2021 के नोबेल प्राइज कह रहा हूँ 2021 के पुलित्जर प्राइज के विनर हैं। ठीक है, 2021 का पुलित्जर प्राइज किसे मिला है, डेविड ज़ुकिनो को, और अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक जिनका कल निधन हो गया। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये यूएस के बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट हैं जिन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम का, न्यूक्लियर बॉम्ब का जनक माना जाता है, और मार्टिन जे शेरविन ये इनका कल निधन हो गया है, और यह वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड नामक पुस्तक के लेखक है, इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला था। तो मार्टिन जे शेरविन अ लीडिंग स्कॉलर ऑफ एटॉमिक वेपन्स, हु एक किताब का नाम है इनकी अ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड, इन्होंने चैलेंज किया है यूएस को, जिसमें जापान पे इन्होंने बॉम्बिंग की थी इस चीज़ को, इन्होंने दो डिकेट्स इस चीज़ पर रिसर्च किया। पायनियरिंग जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाया था। ठीक है, तो एज आई सेड, चूंकि सैटरडे संडे को थोड़ा सा करंट अफेयर्स कम रहता है क्योंकि बाकी चीज़ें अपडेट्स कम होते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी बता दी। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8299117042 पे, और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो 8299117042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, और बाकी जो आप लोगों की इंग्लिश को लेकर कंप्लेंट्स हैं वो भी मैं जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।